नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ बिहार झारखंड, 18 जनवरी सोमवार। खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज की मुख्य समाचार। अटल सरकार का मुस्लिम चेहरा अब बनेगा बिहार में बीजेपी का फेस। बिहार कैबिनेट में जल्द होगा विस्तार। सीएम नीतीश कुमार से मिले बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम। वैक्सीन नहीं लगवाई तो सैलरी नहीं दी जाएगी, ये आदेश बवाल के बाद लिया गया वापस। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का बयान, बोले नक्सलियों से अकेले में मिलते हैं सत्ता पक्ष के विधायक। पटना में शराब तस्करी से 9 लाख रुपए कमाने वाला एमबीए छात्र हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, लेकिन शहनवाज हुसैन को राज्य की राजनीति में पार्टी ने उतारने का फैसला किया है। शहनवाज हुसैन बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए हैं। एक दौर में मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट से जीतकर शहनवाज हुसैन ने अटल सरकार में देश में सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया था और बीजेपी के मुस्लिम चेहरा बन गए थे। अब बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है और माना जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में वह बीजेपी का मुस्लिम चेहरा होंगे। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बने हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। ऐसे में रविवार को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान जायसवाल के साथ बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद भी मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है। कैबिनेट विस्तार को बीजेपी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, तो ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति की मर्जी है कि उसे वैक्सीन लगवानी है या नहीं। लेकिन झारखंड में एक अलग ही तरह का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बवाल मच गया। झारखंड के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन नहीं लगवाई और बचने की कोशिश की तो सैलरी होल्ड कर दी जाएगी और तब तक सैलरी नहीं दी जाएगी तब तक ही वो वैक्सीन नहीं लगवा लेता। लेकिन इस आदेश पर बवाल मचने लगा तो रविवार के दिन ही विभाग ने ये नोटिस वापस ले लिया। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान देते हुए सत्ताधारी दल के विधायकों पर नक्सलियों से सांठगांठ होने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि राज्य के सत्ताधारी दल के विधायक सिक्योरिटी को छोड़कर जंगलों में जाते हैं और वहां नक्सलियों से मुलाकात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसी उनसे इस मुद्दे पर संपर्क कर नाम जानना चाहेगी तो वह नाम भी बताने को तैयार है। पटना में पुलिस ने शराब तस्करी में शामिल एक 28 साल एमबीए छात्र अतुल सिंह को गिरफ्तार किया है। दरअसल महात्मा गांधी नगर में उसके आवास पर छापे मारने पर पुलिस ने 11 लाख की 1800 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अतुल सिंह पटना में शराब बेचता था और प्रतिदिन 9 लाख से अधिक रुपए कमाता था। पुलिस पैसों के लेन देन के बारे में और ग्राहकों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसके साथ कौन कौन काम कर रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।